तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति शर्मा और प्रीति सुपर स्टाइल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ लोटस हर्बल व्हाइट ग्लो सीरम मास्क का रिव्यू और डेमो। आज मैं यहाँ पे इसका रिव्यू बताने वाली हूँ आप लोगों को और डेमो भी करने वाली हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आप लोगों को पसंद आए, और ज्यादा से ज्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा बातें ना करते हुए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे हाथ पर है लोटस हर्बल व्हाइट ग्लो इन्फ्यूज्ड ब्राइटनिंग सीरम मास्क। इसका आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ, इसके बारे में बताने वाली हूँ। आप लोग देख सकते हैं इसकी पैकेजिंग कितनी सुंदर, इसकी पैकेजिंग है इस तरीके से एक छोटे से पैकेट में आता है और यहाँ पे पूरा पिंक कलर से पूरा यहाँ पे फ्लावर्स बने हुए हैं। मतलब मुझे इसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत ज्यादा सुंदर लगी, बहुत ही अच्छी लगी। और पीछे से ये प्लेन है लेकिन ये पूरा पिंक कलर का इसका पैकेट है। और लोटस के मोस्टली मैं जो प्रोडक्ट्स होते हैं मोस्टली यूज करती हूँ, क्योंकि जो लोटस के प्रोडक्ट्स होते हैं काफी अमेजिंग होते हैं और काफी अच्छे भी होते हैं और मेरी स्किन को काफी सूट भी करते हैं। तो मैं लोटस के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूज करती हूँ और सीरम मास्क तो मैं मोस्टली यूज करती रहती हूँ। आप लोगों ने पीछे की भी मेरी वीडियोज में देखा होगा मैंने सीरम मास्क यूज किया है। तो अगर आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसको जाकर जरूर चेकआउट कर लें। तो यहाँ पर ये है लोटस हर्बल व्हाइट ग्लो इन्फ्यूज्ड ब्राइटनिंग सीरम मास्क। और यहाँ पे इसमें जो भी नीचे मेंशन है वो सारा मैं यहाँ पर आपको पढ़ के बता देती हूँ पहले कि इसमें इन्होंने क्या क्या मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नरिशिज द स्किन, ये आपकी स्किन को नरिश करेगा। एड्स रेडियंस एंड ग्लो, और आपकी जो स्किन है उसमें रेडियंस एड करेगा, ग्लो ही बनाएगा आपकी स्किन को। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है मिल्क एंजाइम एंड सेक्सी फ्रागा एक्सट्रैक्ट। मिल्क एंजाइम और सेक्सी फ्रागा एक्सट्रैक्ट इसमें ऐड है। और यहाँ पे इसमें इन्होंने लिखा है कि आपको इसको सिर्फ 10 मिनट के लिए अपने फेस पे अप्लाई करना है। और एंटी पोल्यूशन, पैराबिन फ्री है और ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, सभी स्किन टाइप्स के लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसके पीछे भी जो इन्होंने मेंशन किया उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं और उसके बाद मैं इसको अपने फेस पे आप लोगों को अप्लाई करके दिखाऊंगी कैसे आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीछे इन्होंने मेंशन किया हुआ है इन्फ्यूज ब्राइटनिंग सीरम मास्क। लोटस इन्फ्यूज ब्राइटनिंग सीरम मास्क इज एनरिच्ड विद नेचुरल सेक्सी फ्रागा एक्सट्रैक्ट एंड मिल्क एंजाइम्स विच हेल्प रिपेयर डैमेज एंड डल स्किन। ये आपकी जो स्किन है उसको रिपेयर करेगा, डैमेज और डल स्किन को रिपेयर करेगा, उसको ग्लोई बनाएगा। दिस सीरम मास्क अडॉप्ट्स टू द कंटूर्स ऑफ द फेस एंड इट्स ब्राइटनिंग सीरम गेट्स इजिली एब्जॉर्ब टू द स्किन विच रिन्यू सेल्स। आपकी जो सेल्स उनको रिन्यू करेगा एंड गिव्स रेडियंट एंड ग्लोइंग स्किन, आपकी स्किन को रेडियंट बनाएगा, ग्लोई बनाएगा। इट ऑल्सो कॉम्बैट्स द इफेक्ट्स ऑफ एग्रेसिव एनवायरमेंट। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से इसका एक कट है, तो यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे। तो बस इसके अंदर कुछ नहीं और इसके अंदर ज्यादा सीरम भी नहीं, जैसे और हमारे जितने मैंने मास्क यूज किए उनमें सीरम रहता था, उसको हम बाद में अप्लाई करते हैं। तो ये बिल्कुल खाली आप देख सकते हैं, इसके अंदर बिल्कुल भी सीरम नहीं है। और ये जो पैकेट है इस पे भी बहुत कम सीरम है, देखिए बहुत ही कम सीरम है। तो चलिए इसको हम खोल लेते हैं। और इसका जो मास्क है ये भी काफी अच्छा मुझे लग रहा है, थिन मास्क नहीं है जैसे औरों के हमने देखे उसमें थिन मास्क थे, तो इसका थिन मास्क नहीं है। और इसका ये जो क्वालिटी लग रही है काफी अच्छी क्वालिटी लग रही है और मास्क भी काफी बड़ा है, आप लोग देख सकते हैं कितना बड़ा मास्क है। तो चलिए देखिए कितना काफी बड़ा मास्क है, जिसका काफी ज्यादा बड़ा फेस है उसके लिए भी काफी अच्छा है मास्क, बहुत बड़ा मास्क है। तो चलिए इसे हम अपने फेस पे लगा लेंगे। तो यहाँ पे इसको हम 10 मिनट के लिए हमें इसे अपने फेस पे लगाना है, उसके बाद हम देखेंगे कि ये कितना हमारी स्किन को ग्लोई बनाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस फेस मास्क को लगाए हुए मुझे अब 10 मिनट्स हो चुके हैं और अब हम इसको रिमूव कर लेंगे। तो आपको इसको रिमूव कर लेना है, देखिए इस तरीके से इसे हम रिमूव कर लेंगे। और अब इसे ये यूज और थ्रो वाला होता है कि आपको इसको एक वन टाइम ही यूज कर सकते हो आप इसे, और उसके बाद आपको इसको दोबारा आप इसे यूज नहीं कर सकते और इसको आपको थ्रो कर देना होता है। तो इसको तो मैं फेंक दूंगी और आप लोग मेरे फेस पे देख सकते हैं, देखिए
काफी अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है। और इसके बाद जब आप इसको रिमूव कर लें तो आप 2 मिनट के लिए बहुत ही लाइट हैंड से, बहुत ही सॉफ्ट हैंड से मसाज कर लें। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल हो गई है और आपको आपकी स्किन ड्राई रहती है, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन रहती है, तो आपको इसको जरूर यूज करना चाहिए। लेकिन अगर आप 3 बार इसको नहीं यूज कर सकते तो कम से कम 2 टाइम या कम से कम 1 टाइम तो आपको इसको वीक में जरूर यूज करना चाहिए, जिससे आपकी जो स्किन है वो काफी हाइड्रेट रहेगी, मॉइस्चराइज रहेगी और आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी और आपकी स्किन शाइनिंग आपकी स्किन में बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो, लोटस हर्बल व्हाइट ग्रो सीरम मास्क का रिव्यू और डेमो यहाँ पर मैंने आप लोगों करके दिखाया। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और अपने कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप लोगों का आज का मेरा वीडियो कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।